नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई के 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था। दूसरे राउंड की छापेमारी में 297 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए। जाँच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। जाँच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया। पीएफआई अभी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में एक्टिव है। देश भर में पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने जारी किया है ये आदेश। पीएफआई के खिलाफ सरकार की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देश भर में पीएफआई पर 5 साल का बैन देश की सुरक्षा को लेकर ये ज़रूरी था। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी, जिस पर विचार करते हुए इसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता गौरव जुड़े हैं। गौरव, एनआईए के तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तारियां की थीं। अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? पीएफआई की भूमिका सामने आ रही थी और ये जांच लगातार 2 साल चल रही थी। उसके बाद तमाम लोग गिरफ्तार किया गया, पर जो राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई है, पूरे देश के स्तर पर कार्रवाई हुई है, तो 22 सितंबर को ही 27 सितंबर कार्रवाई हुई है, जिसमें लगभग 3000 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई सब दावा करती है 23 राज्यों में इसकी इकाई है, और निश्चित रूप से आई होने के बावजूद यहाँ पर जो इनपुट मिल रहा था एजेंसियों को, दस एजेंसियों को मुझे मिल रहा था, ये तमाम तरह की जो गतिविधियां है पीएफआई की, वो ये देश विरोधी है, और ये जो पैसा मंगाते हैं, फंडेड करते हैं, और तमाम तरह की चीजें सामने से आ रही थी। इसी चलते आज बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। 1967 के अधिनियम के तहत, एक अधिनियम है हमारे दंड संहिता में, अधिनियम के मुताबिक ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो इसको आप निश्चित रूप से आप उसको बैन कर सकते हैं। और यहाँ पर पीएफआई पर बैन लगाया गया, 1967 अधिनियम के तहत पीएफआई को 5 साल से बैन लगाया गया है। हालांकि इसके पहले 13 संगठन और है जो बैन लगाए जा चुके हैं। अगर हम सुन्नी की बात करें, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया 2002 में से बैन लगा दिया गया था, और उसके बाद तमाम तरह संगठन ऐसे हैं जिससे बैन लगाया गया है। आतंकवादी संगठन उन पर बैन लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पीएफआई पर बैन लगा के गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि देश विरोधी गतिविधियां होंगी तो कहीं पकड़ा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और अगर आपकी खिलाफ सबूत मिलते रहेंगे तो हम आपको बैन भी करेंगे। मैं तो कहना यहाँ पर सरकार का है गौरव, पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है और उसको भी संदिग्ध माना गया है। जी बिल्कुल, मानी जाए पर संदिग्ध माना जाएगा। जो आपकी जो सहयोगी जो आपकी संस्था है उनको भी बैन माना जाएगा, उनको बैन किया जाएगा, क्योंकि वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पीएफआई 2006 में बना था, 2006 में शुरुआत हुई थी, और तमाम संगठन जो की सीमित से टूट कर आए थे, पदाधिकारी टूट कर आए थे, उन्होंने जुड़े थे, और 23 राज्यों में इकाई अपनी स्थापित कर ली थी। और जिससे लगातार देखा गया, जो भी देश की स्तर की घटना होती है या कोई प्रदर्शन होता है, उसमें इनकी भूमिका नजर आ रही थी। साथ से मिल रहे थे, साथ से स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं पीएफआई की भूमिका नजर आ रही है। चाहे राजनीतिक घटनाओं की बात करें, तो स्पष्ट माना जा रहा है पीएफआई यहाँ पर काम करके नजर आ रही है, और पीएफआई के माध्यम से यहाँ पर देश विरोधी हरकतों को, यहाँ पर कदमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, फंडेड किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम चीज फंडेड की जा रही है। और विशेष मनीष, इस तरह की कार्रवाई गृह मंत्रालय की बहुत नजर पेश है कि किस तरह आने वाले समय में कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश है वो जारी बनती रहेगी। गौरव, जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसे साफ साबित होता है कि पीएफआई कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, तो उस पर बैन लगाना आवश्यक था, इस पर क्या कहेंगे आप?
कि गवर्नमेंट तमाम चीज देखती समझती है और सुबह खिलाफ जो इनपुट आते हैं और जब सात इसमें आ चुके हैं वो समझ चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर आज कार्रवाई हो रही है, एनआईए एटीएस जनपदीय पुलिस ईडी तमाम जो सरकार की एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। इनपुट और साथ ऐसे मिल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर देश विधि गतिविधियां लंबे समय से जारी थी और यहाँ पर जो बैट दिया गया है वो प्रोफेसर निश्चित स्वागत योग है और आने वाले समय में अगर इस तरह गतिविधियां चलती रहेंगी तो हो सकता है ये जो अभी 5 साल के लिए किया गया है उसको बढ़ा दिया जाए। गौरव, बड़ी बात है कि पीएफआई का जो संगठन था इसमें जो एक्टिव लोग थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में भी इनका एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था और एक्टिव था जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक चुनावी हार मिल रही है, दूसरी तरफ कई सहयोगी दल साथ जुड़ चुके हैं और छोड़ भी चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है जिसके चलते सपा दोबारा से अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए कवायद कर रही है। वहीं सपा ने लखनऊ में 2 दिन अधिवेशन की शुरुआत की है जिसमें 2024 के लिए नई सियासी रणनीति तैयार की जा रही है। पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ दलित समीकरण बनाने के लिए सम्मेलन में इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल को चुना गया, जिसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। समाजवादी पार्टी का आज राज्य सम्मेलन हुआ है रमाबाई अम्बेडकर मैदान में। सम्मेलन में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी की है। 2024 की रणनीति को लेकर सपा ने मंथन किया जिसमें नए चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को चुना गया है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से एक बार दी गई है। हम समाजवादियों का ये सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिल करके करेंगे और अगर पीछे मुड़ करके देखें हम जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं, जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था। समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया, हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुका है और इसको लेकर सपा पूरी तरह से तैयार है और इसी के तहत वो 2024 की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये समाजवादी रैली आज उन्होंने रमाबाई अंबेडकर मैदान में की जिसपे अखिलेश यादव ने बहुत से मुद्दों को उठाया जिसपे उन्होंने बीजेपी सरकार पर सीधे निशाना साधा और बताया कि आज किसान, युवा सब परेशान हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मंडियां, दूध की डेयरियां जो कि सपा शासन में जिनको लागू करना था उनको आगे बढ़ाना था वो सारी इस सरकार में बंद पड़ चुकी हैं। सपा ने जो भी योजनाओं को लेकर आई थी वो योजनाएं भी आज बंद पड़ चुकी हैं। जो भी विकास हुआ वो सपा सरकार में हुआ, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ। सत्ता पक्ष पे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जितने भी बिजली के कारखाने सपा सरकार में लगे उतने बीजेपी सरकार में भी नहीं लगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद है। विभांशु, 2024 की लोकसभा चुनाव आज सिर पे आ चुका है, इसको लेकर सपा पूरी तरह से
तैयार हो चुकी है अपने जनाधार, सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए, पूरी मुस्तैदी से दिख रही है। इसको लेके क्या जानकारी, क्योंकि आज आपने सपा सरकार की इस रैली को पूरी तरह से कवर किया। जी मनीष जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज नवा राज्य सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के रमाबाई मैदान में किया गया था, जहां आपको बताएं कि प्रदेश से हर एक, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी थे, रमाबाई मैदान आए थे, जहां आपको बताएं कि झंडारोहण के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी के भी झंडे को फहराया गया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता आज मौजूद हैं। वहीं आपको बताएं कि इस जो राज्य सम्मेलन है, इसमें साफ तौर से निकाय चुनाव और 2024 चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनके बीच एक गुप्तगु हुई, साथ ही साथ उनको गुरु मंत्र दिया गया जो वरिष्ठ नेता हैं। वहीं आपको बताएं कि आज के इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने सरकार पर जम के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य हैं उसका फीता भारतीय जनता पार्टी काट रही है। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर उन्होंने कहा कि मेट्रो हमने पहले प्रदेश में चलाई थी, साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि पहली एक्सप्रेसवे, जो अगर देखें तो जो सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस उनकी तरफ से कहा गया कि उसका निर्माण जिसपे हेलीपैड बनाया गया वो हमारी सरकार में हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि डायल 100 का भी निर्माण हमारी सरकार में किया गया। तो ऐसे कई सारे कामों को गिनाते हुए उन्होंने अपनी बातों को कहा कि ये हमारा काम था, सरकार इसका फीता काट रही है। और उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको रोकने का काम बस समाजवादी पार्टी कर सकती है और सपा ही बीजेपी को रोक सकती है। ये 2019 के चुनाव में, अब 2022 के चुनाव में हमने और हमारी पार्टी के जो अंदर लोग हैं, जो सर्वे की टीम है, उसके द्वारा कहा जा रहा है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम ये चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। और उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों की संख्या डबल हुई है, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष बन के उभरे और जनता ने हमें ये मौका दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो 4.5 साल की सरकार बची है उसमें हम पूरी सक्रियता के साथ जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। साथ ही आपको बताया कि आज मंच से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई। अगर बात की जाए तो ऐसे कोई उम्मीदवारों की नामांकन में नाम नहीं आए थे, जिसके चलते नरेश उत्तम को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी और चुनौती होगी नरेश उत्तम पटेल के लिए, क्योंकि 2019 चुनाव और 2022 चुनाव में सपा को करारी हार मिली है मगर सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव और 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो आज राज्य सम्मेलन था, कल राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें देश भर से समाजवादी विचारधारा के समाजवादी पार्टी के लोग रमाबाई मैदान में सम्मिलित होंगे। और साफ तौर से अगर देखें तो आगे की जो चुनाव है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं संगठन के, उनके तरफ से गुरु मंत्र दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा गया कि कहीं ना कहीं आपके शांत रहने की वजह से और आपके सड़क पे ना उतरने की वजह से समाजवादी पार्टी की सीटों में कहीं ना कहीं उछाल नहीं आया है। और कहा गया आज रामगोपाल यादव की तरफ से कि हमने लगभग 32% विधानसभा में वोट में पाए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल बने और महज कुछ लाख वोटों से हमें हार मिली है। और उनकी तरफ से कहा गया कि जो समाजवादी कार्यकर्ता थे कि आप हताश और निराश ना हो, क्योंकि हम लगभग 100 सीट ऐसे हैं जहां 5000 से कम के मार्जिन पर हम चुनाव हारे हैं और हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो विपक्ष का अगर देखें तो विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी को चुना है और 24 और 27 के चुनाव में हम वापसी करेंगे सत्ता में। वही आपको बताएं कि आज अखिलेश यादव अपने संबोधन में गंगा सफाई से लेकर और सरकार की तमाम स्कीमों पर सवाल खड़ा किया और कहा कि पैसों का बंदरबांट हो रहा है, काम जमीन पर नहीं दिख रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए सरकार ने वादा किया था अपने लोक संकल्प पत्र में, मगर अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर रही है, इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है।
वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई की चिंता से जनता परेशान है, सरकार को इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है। ऐसा अखिलेश यादव आज कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं खराब हो गई है और इसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं। तो पूरी तरह से आज देखें तो अखिलेश यादव आज सरकार पर हमलावर होते हुए तमाम सवाल के घेरे पे खड़ा किए हैं। जी मनीष जी। जी हाँ विमांशु, अखिलेश यादव ने आज जमकर निशाना साधा है योगी सरकार पर, सत्ता पक्ष पर। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो भी अपने घोषणा पत्र में कहा था वो हमने पूरा किया और योगी सरकार वही कर रही है जो हमने किया था, उसी का श्रेय उन्होंने लिया है। उन्होंने कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं लाई है जिससे उनको उसका क्रेडिट दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे युवा बेरोजगार है, अपराध बढ़े हैं, जो हमारी मंडियाँ थी वो भी आज उसका सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, हमने दुग्ध डेयरियाँ लाए थे वो भी आज खस्ता हालत में है, बंद पड़ी हैं, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने तमाम इस तरह के उन पर आरोप लगाए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं और आपसी विवाद पैदा करके सत्ता में आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनका साफ तौर से कहना था कि सांप्रदायिक ताकतों को अगर कोई हराएगा तो वो समाजवादी पार्टी है। और इसका उदाहरण उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें प्रमुख विपक्षी दल बनाकर इस बात का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि हम लगभग अगर देखें तो सैकड़ों सीटों पर हम 5,000 से कम वोटों से हारे हैं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप जोश के साथ जो तमाम अगर जो कहीं भी गलतियां हैं तो अपने जिले में आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, जेल जाना हो तो जाएं, आप लाठी खाना हो तो खाएं, जनता के लिए अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के लिए लड़ते रहें। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। अब देखने वाली बात ये होगी मनीष कि अगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जहाँ पिछले पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की थी तो निकाय चुनाव एक अग्नि परीक्षा होगी समाजवादी पार्टी की, और महज अभी कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें समाजवादी पार्टी का ग्राफ कितना बढ़ता है या क्या होता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। मगर आपको बताएं कि कल राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें देश भर से समाजवादी विचारधारा के लोग आएंगे और उनको भी समाजवादी पार्टी के बेहतरी के लिए उन्हें तमाम बातें कही जाएंगी। वहीं आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि 5 नवंबर सन 1992 में मुलायम सिंह की अगुवाई में इस पार्टी का गठन हुआ और समाजवादी विचारधारा के कई नेताओं के एक वृक्ष, उन्होंने वृक्ष के तौर पर समाजवादी को कहा और वृक्ष के तने को उन्होंने जनेश्वर मिश्र को कहा, साथ ही साथ किरणमय नंदा को कहा, साथ ही लोहिया को कहा, ऐसे कई सारे नेताओं को उन्होंने वृक्ष समान बताते हुए कहा कि उनकी छाया में आज हम समाजवादी विचारधारा को जन जन तक ले जा रहे हैं, उन्होंने हमें दायित्व दिया है। अब लगभग आपको बताएं कि आज प्रदेश अध्यक्ष की चयन हो गया है और लगभग तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है उस पर जल्द ही अखिलेश यादव को जिम्मा मिलेगा। जी विमांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र में दबंग लोगों ने नाबालिग किशोरी की हत्या करके बिजली के तार से शव को लटका दिया। परिजनों का आरोप है कि किशोरी अपने घर में पशुओं को चारा लेने आ गई थी तो वहीं से दबंगों ने मेरी बेटी को जबरन अपने साथ घर ले गए, जिसके बाद बेटी के साथ रेप किया और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रसंग का मामला बताकर खत्म करना चाहती है, मगर एक तरफ पुलिस ने परिजनों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें कि अभी तक चार अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो परिजन उन्होंने पुलिस पर सवाल करते हुए कहा कि बच्चे हुए अपराधियों को गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। मेरी बेटी को खींच कर ले गए यहाँ से, चारों गिनने आई मेरी बेटी और सुरेश के पोता, सुरेश के बच्चे, लड़का, बहू, सब जने, सब ने मारी मेरी लड़की। एक लड़का जेल भेजा है इन्हें, मेरी जो रिपोर्ट है 302 की है, लेकिन लड़का जो भेजा है इन्हें 306 भेजा है। इस मकान के अंदर 6 लोग रहते थे, 2 बहू, 2 बेटा, 1 पोता, 1 बाबा। तो आपने जो नाम दर्ज करी कितने लोगों के नाम? मैं सर 5 ने करी है, क्योंकि एक मैंने जो है अन्य में छिकवा दी थी, घरवाली में नाम याद नहीं था उसका। वो हादसा का ही होता जो वहाँ लटकी मिली है उसे। अच्छा, सुबह मतलब वो फांदी फंदा जो वैसे गिर रहा था तार के, सर जो किसके सिर्फ सुरेश के घर में। तो आपका क्या? नहीं, उन्होंने मारी है।
मौजूद है विशाल। दबंग लोगों ने नाबालिग किशोरी की हत्या करके उसका शव पेड़ पे लटका दिया, बिजली के तार पे लटका दिया, माफ कीजिएगा। तो इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सेना क्षेत्र का मामला है, जो गांव निकोना गांव पड़ता है, जिसको 12 तारीख को जो किशोरी थी वो अपने खेत में घेर में गई थी, जिसको दबंगों ने उसको लड़की को खींचकर अपनी छत से ले जाकर अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसको बिजली के तार से उसको लटका दिया गया था। विशाल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा नेता आजम खान के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा 3 नए केस दायर करने और रामपुर स्थित उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ताजा कार्रवाई और कथित रूप से अधिग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आजम खान की ओर से CJIUU ललित की पीठ ने समक्ष उनके वकील कबीर सिब्बल के जिक्र किया और मामले की सुनवाई का आग्रह किया है। सिब्बल ने कहा कि आजम खान पर पहले 87 केस थे और अब 3 और लगा दिए गए, उन्हें मुश्किल से जमानत मिली थी, अब नए केस बना दिए गए हैं। सिब्बल ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में नगर निगम और मशीन मिलने से को लेकर अब तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। वरिष्ठ वकील सिब्बल ने दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को आजम खान की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ तुषार मौजूद हैं। तुषार, आजम खान फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उनकी जमानत याचिका फिर दी गई है, उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 313 का मुकदमा चल रहा था। फिर उस मुकदमे के तहत जो कोर्ट है उसने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सफाई के लिए डेट के लिए खैर कोर्ट में बुलाया। वहां बुलाने के बाद जब आजम खान की तारीख जब उनको वहां बुलाया जा रहा था तो वो वहां नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद कोर्ट ने जो है दूसरी उनको यह तारीख दी, और जब उनको दूसरी तारीख दी गई फिर वो आजम खान और उनके बेटे उस तारीख पे भी खैर वहां नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद कोर्ट ने तीसरी तारीख दी, वो तीसरी तारीख पर भी कोर्ट पे नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए वहां के जो CMO हैं रामपुर के, उनको ये आदेश दिए कि आप वहां जाइए और वहां जाके पूरी जानकारी लीजिए कि आजम खान के जो उनकी तबीयत खराब है आखिर उसका मतलब क्या मामला है। तो फिर रामपुर के जो CMO हैं उन्होंने अपनी पूरी टीम बनाकर उन आजम खान के घर तक भेजना चाहा, लेकिन आजम खान की कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर कोर्ट ने उनके जो है वकील को ये चीज जानकारी लेना चाहा कि आजम खान की लोकेशन क्या है, लेकिन उनके जो वकील हैं उन्होंने बताया कि हम मुझे भी आजम खान की लोकेशन नहीं पता है। और जब ऐसी खबरें चलने लगी कि आजम खान फिर उसके बाद क्या हुआ, रामपुर के जो पुलिस हैं उन्होंने जो है आजम खान के साथ जो उनके थनर थे उनसे जानकारी लेना चाहा कि आप ये बताइए कि आजम खान की लोकेशन क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि हमको आजम खान ने रामपुर वापस भेज दिया और हमसे ये चीज बोली है कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद वो निराश होते हुए सीधा रामपुर आए। रामपुर मारने के बाद पुलिस अधीक्षक के पास आके उन्होंने अपनी पूरी जानकारी साझा करी। फिर उसके बाद जी तुषार, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों, बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।